100 मार्क्स एमसीक्यूज पेपर को। जी थैंक यू। 100 मार्क्स एमसीक्यूज का जो पेपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वन पेपर। इसके साथ साथ हमारे जो वन पेपर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फेडरल वालों के एफपीएससी हो गया, अगर पंजाब वालों का अगर देखा जाए पीपीएससी हो गया, इसी तरह एनटीएस के डिफरेंट टेस्ट होते हैं जैसे गैट हो गया, इसी तरह अगर आप लोग इसको कुछ अर्सा पहले कैमोडी के पेपर हुआ था, ये जितने भी पेपर्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे आपके वन पेपर पेपर कहलाते हैं। इसके साथ साथ जो सीएसएस है, सीएसएस के अंदर भी आप लोगों का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है जीएसए, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके अंदर भी आप लोगों का एबिलिटी का पोर्शन होता है। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क भी होता है, उसको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर इन जनरल एबिलिटी पेपर। जी इंशाल्लाह हम लोग ये सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ अपना ये व्हाइट बोर्ड अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये इसको आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। मैं उस पर आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल आप लोगों को मैं अभी शेयर करता हूँ सारे। आप में से जिस किस्म का जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग काइंडली चैट में मुझे बता दीजिए, या आप लोग माइक ऑन करके आप लोग बता सकते हैं, लेकिन काइंडली अगर चैट में बता दें तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया। जी भाई साहब भी ओके कर लेते हैं, एक मिनट ठहरें, भाई साहब भी ओके कर लेते हैं। अच्छा जी एक सेकंड, जस्ट मैं ये वॉइस मैं जी अभी मुझे बताएं अभी ओके है, अभी ठीक है ना? अच्छा जी जी अच्छा जी वेलकम बैक। अच्छा अब हम लोग इसमें थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लोगों ने कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, आप कहीं मुझे बताइएगा। सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है ओके जनरल एबिलिटी के अंदर? ये फातिमा जनरल एबिलिटी का जो सेशन, ये आपका एक सेपरेट आपका सेशन होगा। ठीक है करते हैं, सबसे पहले एक आती है दैट इज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बेसिक मैथ। इसके साथ दूसरी चीज हमारे जो आएगी, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे इसके साथ आएगा स्टैटिस्टिक्स। जी अनम मैं आपको सारा कुछ आपको बताता हूं इंशाल्लाह। आप में कुछ होंगे, मैं इंशाल्लाह सारा कुछ अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं इंशाल्लाह, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन और इसके साथ हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। जी वालेकुम सलाम। अब अगर तो हम लोग अगर इसको सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखते हैं ना, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये सीएसएस और वन पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सीएसएस एंड वन पेपर। अच्छा जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अगर डिस्टॉर्शन अगर सबको आ रही है, क्या सबको डिस्टॉर्शन है काइंडली मुझे बताइएगा, सबको डिस्टॉर्शन फील हो रही है? ओके ओके जस्ट वेट एक सेकंड होल्ड। भाई तो दिल डिस्ट्रक्शन तो नहीं रही, डिस्ट्रक्शन लगा था ओके मैं लगा, वो डिस्ट्रक्शन तो नहीं रही ना, ये सबसे मतलब वीडियो होता है। हां बस ये अंदर से लगा नहीं, यहां पे अटैच होती है तो आपके स्टूडेंट्स के साथ डिस्ट्रक्शन आ रहा है। बस ठीक है, लग गया, ओपन एक बार चेक कर लो, चेक कर लो।
यस करना अच्छा ओके थैंक यू सो मच। अच्छा जी तो अगर हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग सीएस पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप लोगों ने देखना है तो इसको हम लोग ये तीनों पोर्शन हम लोग करेंगे, जनरल मैथ्स भी, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी और आप लोगों की एनालिटिकल पोर्शन भी, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पे स्टैट का पोर्शन नहीं आएगा, उसके अंदर हमारा बेसिक मैथ आएगा और साथ एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे एफपीएससी हो गया, जैसे पीपीएससी हो गया, ये वो वाले टेस्ट है जिनके अंदर हमारा एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आता, एनालिटिकल रीजनिंग इनमें नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इनमें आप लोगों का मैथ का पोर्शन बस आता है। वन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी पेपर लेने जाते हैं, अभी पिछले दिनों जो हुआ था एमओडी का पेपर हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हुआ था, एनटीएस का कोई पेपर उठा के चेक कर लें, पीटीएस चेक कर लें, ओटीएस चेक कर लें, सीटीएस, यानी जितने भी ये टीएस है ना, टेस्टिंग सर्विसेज, इन सब में एनालिटिकल भी लाजमी आता है। तो इसलिए मैं हमेशा मैं स्टूडेंट्स को मैं यही मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई जब आप लोग एक प्रॉपरली सेशन जब आप लोगों ने ज्वाइन किया ही है तो क्यों ना आप लोगों को साथ एनालिटिकल रीजनिंग को भी समझना चाहिए। एनालिटिकल रीजनिंग की जो स्टडी जो है वो एक ऐसी एक स्टडी है जो कि आप लोगों को लॉजिकल वे में इसको, यानी कि आप लोगों की जो एबिलिटीज है उनको आपको बेहतर करती है। अभी आगे जो एफ आई ए का पेपर आ रहा है, एफ आई ए के पेपर में उसने सिर्फ यही बोला है भाई मैंने ये सारा एफ आई ए में उसने क्या दिया, आई क्यू। अब आई क्यू अगर देखा जाए तो आई क्यू में तो बहुत सारी चीजें आ जानी है, वहां पे एनालिटिकल रीजनिंग भी आप लोगों का आ सकता है क्योंकि ये भी सारी लॉजिकल स्टडी है। तो बहरहाल अभी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं कि हम लोग जनरल मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैट के पोर्शन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जरा डिस्कस करते हैं जनरल मैथ्स के, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। जनरल मैथ्स के ना एक दो नाम और भी हैं, इसको बेसिक मैथ भी पढ़ते हैं, इसको अरिथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो इस चीज से आप लोगों ने घबराना नहीं कि ये जनरल मैथ्स क्या है, सारे नाम एक जैसे हैं। जनरल मैथ्स के अंदर जी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ सैयद आदिल, आप काइंडली इसको देखे जाएं। आपको स्टडी मटेरियल मैं आपको अपना मैं प्रोवाइड मैं करूंगा, स्टडी मटेरियल जो कि टोटली टारगेटेड मटेरियल है, उसके अंदर आपके सारे आपके कंटेंट होंगे। कंटेंट आपको मैं लिख के देता हूँ कौन कौन से कंटेंट होंगे। एक तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है रेंज, मीन, मीडियन और मॉड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग सीएसएस के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो ये सीएसएस में 2016 में भी आया और 2020 में भी आया हुआ। हाँ जी एग्जैक्टली साबिर कलीम, एग्जैक्टली मेरा सबसे ज्यादा फोकस सीएसएस के पास्ट पेपर्स पे ही होता है। इंशाल्लाह आपको सीएसएस के पास्ट पेपर भी आपको करवाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक किसके साल आए हुए, आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। रेंज, मीन, मीडियन, मॉड सीएसएस 2016 में भी आया, 2020 में भी आया हुआ। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखें, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एवरेज को। एवरेज वन पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसएस में इस दफा आया था 2021 के पेपर में एवरेज का टॉपिक, एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। परसेंटेज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कह लेंगे पूरी परसेंटेज एक तरफ, पूरा मैथ एक तरफ। परसेंटेज में कम से कम मेरे को इसमें दो लेक्चर आ जाते हैं। परसेंटेज के टॉपिक जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है, ये आप देखिएगा। ये सीएसएस में 2017 में भी आया, 2018 में भी आया और ये आपका 2021 में भी दबा सीएसएस का पेपर में परसेंटेज आया हुआ था। परसेंटेज के साथ मैं एक टॉपिक अलहदा कर देता होता हूँ, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। परसेंटेज के साथ ही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को हम लोग अलहदा हम लोग करते हैं। ये भी इसको देखा जाए तो ये 2018-20 पेपर में आप लोगों का आया हुआ है। इसके साथ अगर मैं देखूं एक और टॉपिक मेरा आ जाता है रेशियो प्रॉब्लम। रेशियो प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली रिगार्डिंग सीएसएस।
उसकी वजह क्या है देखिएगा जरा, 2017 2018 पीएल मींस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो प्रॉब्लम 2017 में भी है, 2018 फिर 2018 में लिख रहा हूं 2019 2020। इसका मतलब क्या हुआ, 2018 में इसके रेशियो के दो क्वेश्चन आए हुए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पेपर में भी ये लाजमी आता है रेशियो के साथ। एक और हमारा टॉपिक होता है प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 मजदूर हैं वो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर 10 के बजाय अगर 15 अगर मजदूर हो जाए कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में। 10 मजदूर हैं और उन्होंने 20 मीटर की दीवार बनानी है 6 दिनों में, अगर वही अगर 6 दिनों के बजाय अगर 8 दिन अगर काट दिए जाए, 10 मजदूर 50 मीटर की दीवार कितने दिनों में बनाएंगे, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ये 2017 में भी आया, 2020 में भी आया। अब आप लोगों को खुद ब खुद अब आइडिया हो जाएगा कि ये साथ जो मैं आसान में लिख रहा हूँ, हर एक का अलग अलग मैं शेयर लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे ज्यादा जो मेन जो फोकस होता है ना, मेन फोकस मेरा ये इस पे होता है, पास्ट पेपर्स के ऊपर होता है। जब तक मैं पास्ट पेपर में नहीं करवाऊंगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे पास्ट पेपरों में क्या क्या आएगा, हमारे आगे फ्यूचर में जो आगे जो 2022 में आ रहा है 23 में आ रहा है क्या कुछ आने वाला है, वो सारा इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है। दूसरा मेन चीज स्टूडेंट की जो एक गलत फहमी क्या होती है वो आप लोगों को पहले मैंने बताया था, गलत फहमी ये है कि हम लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं कि बस हम लोग ये बेसिक मैथ हम कर ले हमारा एबिलिटी कवर हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर आपको एनालिटिकल भी करना चाहिए, इसके अंदर आप लोगों को स्टैट का पोर्शन भी करना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि 40 में से आप लोग 30-35 तक आप लोग इजीली जा सकते हैं। प्रोपोर्शन के बाद हम लोग करेंगे एज पर यूनिट मेथड, इसको यूनिटरी मेथड भी पढ़ते हैं, ये अब तक सीएसएस में किसी पेपर में भी नहीं आया, ये वन पेपर में आता है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके साथ अगर मैं देखूं एक और टॉपिक है एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, कैसे 2017-2021 इस दफा आया हुआ था 2021 का। अब 2021 का आप लोग पास्ट पेपर का आप लोग पहला क्वेश्चन ही आप लोग देखेंगे उसमें आप लोगों को एज प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। यूनिट मेथड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं असलन, ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, मतलब फॉर्दम मैं कहता हूँ कि 50 बुक्स की अगर प्राइस है ना 2000 रुपीज, ठीक है, 50 बुक्स की अगर प्राइस है अगर 2000 रुपीज, तो मुझे बताओ कि यार 90 बुक्स कितने की आएंगी। अब सबसे पहले इसको यूनिट मेथड क्यों पढ़ते हैं, यूनिट मेथड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम लोग वन बुक की हम लोग प्राइस निकालते हैं, तो वन बुक की क्या प्राइस आएगी 2000, 50 को आप उधर आप डिवाइड अप करोगे, वन बुक की आपके पास प्राइस आ जाएगी 40 रुपीज। अब अगर हम लोग कहें कि भाई 70 बुक्स की क्या प्राइस है, तो 70 बुक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें 40 × 70, आपको पता चल जाएगा 70 बुक्स की प्राइस आएगी 2800 रुपये। तो जी इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मेथड, यूनिट मेथड में हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग जितने भी डिटेल्स आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सर ये इसका सेशन कितना होगा, सेशन होगा, मैं चलो ये पहले कुछ चीजें आपको मैं डिफाइन में कर लूँ काइंडली, अगर आप थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखें तो मैं इसमें थोड़ी सी चीजें मैं बस डिस्क्राइब में कर लूँ, देन इंशाल्लाह मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूँ कि सेशन कितना होगा, फीस क्या होगी, हम सारा कुछ हम मैं इंशाल्लाह आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग अभी चलते हैं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें बेसिक अलजबरा भी हम लोग देखेंगे, बेसिक अलजबरा के अंदर भी काफी चीजें आ जाती हैं, एलसीएम आ जाते हैं, एचसीएफ आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, डेसिमल आ जाते हैं, इसके अंदर बेसिक आपके इक्वेशन आपके आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक आता है ज्योमेट्री, ये सर जी ज्योमेट्री, अब आपको मैं बताऊँ ज्योमेट्री सीएसएस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे 2020 में भी आई है, 2021 में आई है, 2021 में आई है, 2021 में आएगा। आप कहोगे सर जी 2021 ये क्या, 2021 में जनाब ये इसके तीन क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री के। अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर कभी देखे हो ना तो आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सा पोर्शन किस किस साल में आया हुआ है,
और वो कितना इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को इस सेशन में पता चलेगा। अच्छा ज्योमेट्री के साथ हम लोग फिर जी करेंगे, हम लोग एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा टाइम डिस्टेंस, जिसको हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम भी कहेंगे और हम लोग इसको कहेंगे डायरेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, ये 2017, 2018, 2021, 2021 ये अब आप लोगों ने इन चीजों को कंफर्म भी करना है। आप लोग ऐसे ना कहेंगे सारे ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। आप लोग बेटा जी, आप लोग घर पे आप लोग सीएसएस के पॉस्ट पेपर निकालें, आप लोग इन चीजों को चेक करें कि सर ने जो चीजें जो लिखी हैं क्या ये ऑथेंटिक भी है, यानी ऐसे तो नहीं लिखते जा रहे। इसके साथ हमारा एक आएगा वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक पर्सन है वो अपना काम 4 घंटे में कंप्लीट करता है, एक पर्सन भी है वो अपना काम 6 घंटों में कंप्लीट करता है, अगर दोनों मिल के काम करें तो कितनी देर लगेगी, दैट इज कॉल्ड वर्क शेयरिंग 2019 एंड 2020। ये वर्क शेयरिंग में से आएगा। इसके साथ और भी आप लोगों के काफी टॉपिक आ जाएंगे। मैं बेसिक मैथ्स के अंदर ना, मैं एक मिनट वीडियो राउंड कर लूं। देखिए मैं जो बेसिक मैथ्स के अंदर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक जो करवाने, कम से कम मैंने आप लोगों को तो 20 से 25 आप लोगों को मैंने टॉपिक कवर करवाने हैं बेसिक मैथ्स के अंदर, कम से कम 20 से 25 टॉपिक। इनके अंदर कुछ और भी टॉपिक आते हैं जो कि मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कहें इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसी तरह आप लोग कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन। इसी तरह इसमें कुछ और आ जाते हैं, जैसे इस दफा 2021 के पेपर में इसने एक नया टॉपिक दिया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इस दफा आया था 2021 के पेपर में आया होता। तो ये बेटा ये तकरीबन कम से कम को आपके 20 टॉपिक आपके बनेंगे। अभी भी शायद हो सकते हैं इनमें से मैंने कुछ मिस कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज जिसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी हम लोग कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये जितने टॉपिक आप लोगों को मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक हमारे बेसिक मैथ्स के अंदर आएंगे। ठीक है जी, अभी मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं इसके अंदर हमारा कि स्टैट में हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ब्लर रिलेशन, स्पेल प्रॉब्लम भी एनालिटिकल। जी जी, वो एनालिटिकल में सारा, एनालिटिकल अभी मैंने डिस्कस उसको नहीं किया। ठीक है ना, अच्छा अब अगर हम लोग इसको देखें स्टैट के पोर्शन को, स्टैट के पोर्शन में क्या क्या आएगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप लोग थोड़े से जस्ट 5 से 10 मिनट अगर आप लोग पेशेंस रखें ना, उसके बाद आपको मैं सेशन की इंशाल्लाह पूरी डिटेल भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं स्टैट के पोर्शन में क्या कुछ आएगा स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने पास्ट पेपर तक देखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के लिए, आपको पहले मैंने बताया था ये सिर्फ सीएसएस के लिए। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने सीएसएस के पास्ट पेपर देखे हैं तो क्या आप लोगों ने कभी उसमें ये क्वेश्चन देखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा हिस्टोग्राम बनाओ भाई, हिस्टोग्राम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पिक्टोग्राम बनाओ, पिक्टोग्राम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पाई चार्ट 2018 के पेपर में आया है, फिर आप लोगों ने इसी तरह देखा होगा ये वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ये जितने भी टॉपिक मैं लिख रहा हूं ना ये सारे आप लोगों के स्टैटिस्टिक पोर्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके चार्ट्स आपके आ जाते हैं, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, इसी तरह मल्टीपल चार्ट हो गया, राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा, मैं राइटिंग वैसे कुदरती, यकीन करें कुदरती ऐसी है, ये व्हाइट बोर्ड की वजह से कुदरती मेरी राइटिंग ऐसी है। अच्छा मल्टीपल चार्ट हो गया, अच्छा इसी तरह आप लोगों के परसेंटेज बार चार्ट हो गया, ये डिफरेंट टाइप के आप लोग चार्ट आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमारी आएंगी स्टैट के पोर्शन में। ठीक है जी,
अच्छा अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोग एनालिटिकल के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग बेशक अपना माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा थैंक यू हसन, जजाकल्ला जीनियस। हाँ जी डॉक्टर्स के तो माशाल्लाह मेरे तो माड़ी होती है, मेरे तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ समझ आ रही है। थैंक यू। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी लें जी, मैं वीडियो में ऑन कर लेता हूँ। मुझे जी बताएं जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके आई थिंक नो। ओके चल चल जी हम लोग आगे जी नेक्स्ट जी चलते हैं इसकी तरफ, एनालिटिकल रीजनिंग की तरह। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास क्या कुछ आएगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने टोटल पढ़ने होंगे, ये मैं चैट में ऑन कर लू, आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। मटेरियल प्रोवाइड कर दें सबको, मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। अच्छा आप आंसर एनालिटिकल रीजनिंग पे, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या कुछ हम लोग पढ़ेंगे? एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोग टोटल 7 मेथड पर, एनालिटिकल रीजनिंग ना टोटली टोटली ये ना एक डिफरेंट एक स्टडी होती है। एनालिटिकल रीजनिंग टोटली एक डिफरेंट स्टडी है, इसमें आप लोग कह लें कि इसमें ना तो कोई, इसमें आप लोग कह लें कि ना इसमें कोई मैथ का चक्कर होगा, ना इसमें कोई ग्राफ का चक्कर होगा, ये टोटली एक न्यू स्टडी होगी आप सब लोगों के लिए। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग ना बड़ी लॉजिकल स्टडी है कि एक कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर कह देता है कि इमरान और असगर जो है वो जिस सीट पे भी बैठेंगे वो हमेशा दोनों इकट्ठे ही बैठेंगे, इमरान के साथ असगर ने जरूर बैठना है, या वो ये कह देता है कि मरियम जब भी बैठेगी मरियम ने सीट नंबर 5 पे ही बैठना है। अब मरियम 1 पे भी नहीं बैठ सकती, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, मरियम जब भी बैठेगी सीट नंबर 5 पे बैठेगी। अब एक और आपको कंडीशन वो ये लगा देता है कि भाई जो अख्तर है, अख्तर ने हमेशा हामिद से पहले पहले ही बैठना है। अब अख्तर 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी, 5 पे नहीं क्योंकि 5 पे मरियम बैठी है, अख्तर हामिद से पहले पहले आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं जिनके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक स्टेटमेंट दी होती है, तकरीबन आप कह लें कि 3 से 4 लाइनों की एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग पैराग्राफ कहते हैं। उस पैराग्राफ के रेलेवेंट पे नीचे कुछ आप लोगों को कंडीशन वो लगाई जाती है। नहीं एनालिटिकल आप लोगों के मैथ्स के नहीं होगा, ठीक है, एनालिटिकल आप लोगों की टोटली डिफरेंट स्टडी होगी। ओके तो एनालिटिकल के अंदर अब हम लोग देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल आपके 7 मेथड होते हैं। इसके अंदर एक होगा लीनियर ऑर्डरिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने लीनियर ऑर्डरिंग कर लिया आप ये समझ लें आप लोगों ने एनालिटिकल पूरा कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर, इसके साथ सीटिंग अरेंजमेंट होगी, एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी। नहीं मेंटल एबिलिटी के अंदर देखो ना डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके आईक्यू लेवल का आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके नॉन वर्बल क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के अंदर ही एनालिटिकल को भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग एक अलग है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के अंदर आप एनालिटिकल ले सकते हो, लेकिन एनालिटिकल के अंदर आप नहीं कह सकते कि मेंटल एबिलिटीज, एनालिटिकल रीजनिंग टोटल अलग स्टडी। लेकिन मेंटल एबिलिटी में 3-4-5 चीजें आती हैं, इसलिए हम लोग इसको एनालिटिकल को हम लोग टोटली सेपरेट हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन मेथड और नेटवर्किंग और लेस देन ग्रेटर देन, ये हम लोग टोटल 7 मेथड हम लोग पढ़ेंगे अपने एनालिटिकल। अगर आप कह रहे हैं कि सर कोई डिफाइन कर दो तो अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकता एक्चुअली, वो इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स को अगर डिफाइन कम से कम इसका मुझे कम से कम 20-25 मिनट इसमें रिक्वायर्ड है पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को करवाने में। हाँ मैथ का एक आध टॉपिक आप लोगों को मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं करवा देता हूँ। हाँ आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ, नहीं हैंड राइटिंग मेरे ख्याल में ओके है, बाकी तो खुद कह रहे थे कि सर जी आपकी हैंड राइटिंग ठीक है बेहतर है, तो मैं साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ, आप काइंडली आप उसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा।
अच्छा बहरहाल, अब मैं दोबारा मैं मैथ की तरफ में आता हूँ। वहां पे मैं आप लोगों से एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको हम लोग कहेंगे कि सर आपका टीचिंग मेथडोलॉजी आपकी क्या होगी, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम जरा मैथ के टॉपिक पे आते हैं। एक आप लोगों से टॉपिक मैं जरा डिस्कस करता हूँ, और टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ इसका कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लें, एक सेकेंड आप मुझे कोई आइडिया को दे सकते हैं कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लें मैथ में से। मैं एक अपने बुक में निकाल लूं। हसन हसन बिन, मैंने सारा सिलेबस आप लोगों को मैंने बता तो दिया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। अच्छा जी, परसेंटेज परसेंटेज भी कह रहे हैं, रेशियो कह रहे हैं, वर्क शेयरिंग कह रहे हैं, ओके चले। अगर हम लोग परसेंटेज को अगर हम लोग देखते हैं, परसेंटेज परसेंटेज में ना मैं आप लोगों से ना पहले एक आसान से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये आप लोगों का लॉजिकल में आएगा, ये जो आप पूछ रहे हैं ना ऑनाइजर, ये आपका लॉजिकल में आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, पेपर वन का सिलेबस मिस आ रहा, पेपर वन का भी आप लोगों को सिलेबस मैंने बता दिया। पेपर वन में आप लोगों ने सारी यही चीजें करनी जो आप लोगों को मैंने बताई है, लेकिन पेपर वन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्टैट नहीं करना। आप लोगों ने पेपर वन में मैथ के सारे टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, एनालिटिकल भी आप लोगों ने करना है। स्टैट आपका पेपर वन में नहीं आता, स्टैट सिर्फ आपके सीएसएसएबिलिटी में आता है। ठीक है, अच्छा अब परसेंटेज में अगर हम लोग देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक आसान से एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 24 is 18। नहीं, ये सिर्फ आप लोगों का अबिलिटी का बस ये सेशन है, इसमें जनरल साइंस नहीं। जनरल साइंस की हमारी क्लास दिन में चल रही है, ये तकरीबन 2:30 बजे क्लास होती है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारा सिर्फ हमारा अबिलिटी का एक सेशन है। अच्छा मुझे बताइएगा व्हाट परसेंट ऑफ 24 is 18, इसको हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जी जी, मैं आपको सारा कुछ करवाऊंगा, ये लॉजिकल में हमारा स्टार में, ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन में ऐड किया हुआ मैंने। मैं आप लोगों को कैमरा ऑन करके जरा बता भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि तो उसमें तसल्ली भी हो जाए सर के यार ऐसे तो नहीं बात किया जा रहे। ये देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर नजर आए तो ये ठीक है, ये आप लोगों के स्टडी मटेरियल में इंशाल्लाह आप लोगों को इनरोल होगा, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा आप जरा देखिएगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसका क्या आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 24 is 18। बेसिक मैथ नहीं आता, प्लीज मुझे क्या करना चाहिए, आपका सेशन ज्वाइन कर लू। जी जी, आपको जरूर आपको ज्वाइन आपको करना चाहिए। जी आपको बुक इंचर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अपना ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा स्टडी मटेरियल आप लोग यूज करेंगे। इसके अंदर मैंने सारे के सारे मैंने ना टारगेटेड मैंने टॉपिक्स मैंने रखे हुए हैं, ये वाली बुक होगी, इसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक मैं दिखा देता हूँ, अभी आप लोगों को शायद ये आइडिया होगा कि नहीं, ये सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, रेंज मीन मीडियन मॉड एवरेज परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक अलजेब्रा ज्योमेट्री एज प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं, सारे टॉपिक मैंने ऐड किया। और ये खास तौर पर ये CSS वन पेपर FPSC PPSC सब के लिए ये मैंने बनाई हुई है। CSS वन पेपर, गेट, नेट, ये FPSC PPSC सब के लिए ये है। तो आप लोगों ने इसमें ये नहीं देखना कि ये सिर्फ CSS की स्टडी, मैंने आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है कि इसके अंदर हम लोग CSS को भी स्टडी करेंगे, हम लोग वन पेपर को स्टडी करेंगे। अच्छा अगर आप में से इस क्वेश्चन में अगर किसी को इश्यू है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पे वट को हमने क्या लिखना है, वट को हमेशा लिखते हैं एक्स परसेंट, परसेंट जब कभी भी आता है, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, ऑफ ऑफ जब कभी भी आता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 24 इज
इज या आर या वाज जब कभी आता है इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। अब हम लोग इन शॉर्ट केस को यूज करके हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं। व्हाट की जगह क्या आएगा एक्स, परसेंट की जगह डिवाइडेड हंड्रेड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24, एज की जगह इज इक्वल टू 18। ये देखिए आप लोगों की इक्वेशन बन गई। अगर इक्वेशन बन गई दैट मीन्स आप लोग ये कह लें कि आप लोगों का सारा आंसर आप लोगों का आ गया। अब इसमें आप लोग 24 को उधर डिवाइड कर दें और 100 को नेक्स्ट स्टेप में आप उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें 18 अपॉन 24 इंटू 100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 75% आपका राइट आंसर आएगा। परसेंटेज में ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे काफी टेक्निकल आगे क्वेश्चन हमारे आते हैं तो जस्ट आप लोगों से मैंने कुछ डिस्कस करना था कि आप लोगों ने परसेंटेज मैंने आप लोगों से डिस्कस से कर लिया। इसी तरह हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कब तक चलेगा, ये हमारा जो आसन जो हमारा जो सेशन है ये हमारा सेशन होता है वैसे तो तकरीबन होता है कोई 15-20 लेक्चर जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे 15-20 डेज में इंशाल्लाह हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग जी आते हैं सेशन की डिटेल्स की तरफ। आप लोग काइंडली अभी आप में से अगर कोई माइक अगर अपना ऑन करना चाहे तो बेशक ऑन कर भी सकता है, और अगर आप लोग वैसे अगर आप लोग इसमें पूछना चाहते हैं ये इसमें अगर आप लोग वैसे कमेंट में अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक सेकंड ये मैं शेयरिंग में जरा स्टॉप कर दूं फिर मैं जरा अब आ गया मैं पिन हो गया ओके। अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं फिर क्वेश्चन क्या क्या हैं। जी 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 एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग देखें टिप्स टिप्स अगर आपको मैं देने पे आ जाऊं तो टिप्स में देखें आपको पहले मैंने बताया है फीस की 5000 है और क्लास टाइमिंग इसकी होगी रात को 9 बजे। ठीक है ये जो नोट्स हैं नोट्स आप लोगों को मैं खुद इंशाल्लाह ये प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो आप में से कैसे खरीद सकते हैं जाहिद आप इनसे कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट करके आप मेरा कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं आप मुझसे खरीद सकते हैं। ठीक है ओके। अच्छा आप में से जो जो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको ये स्टडी मटेरियल फिर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे उनको सॉफ्ट में प्रोवाइड किया जाएगा और जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स होंगे वो आप लोगों को हार्ड मेंटल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी फातिमा आप काइंडली यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर से आप मेरा कॉन्टेक्ट आप ले लीजिएगा इंशाल्लाह आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा मैं बुक आपको मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मैं ये आपको मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है डिलीवर भी हो जाएगा इंशाल्लाह नो इशू। अच्छा अब मुझे जरा बताइएगा कि आप लोगों ने सेशन के बारे में जो क्वेश्चन जो किए थे सेशन हमारा तकरीबन हमारा होता है कोई 15-20 डेज का सेशन होगा ये। इसमें हमारी मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है और इसके साथ साथ आप लोगों का ये है कि इसमें हमारा सीएसएस वाले स्टूडेंट भी होंगे वन पेपर वाले स्टूडेंट भी हमारे होंगे तीनों चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ये पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। किरण आपको बुक आपको मुझसे मिल जाएगी इंशाल्लाह आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ओके और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कोई क्लास हमारी होगी शाम को रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे इंशाल्लाह। ठीक है टाइमिंग रात को 9 बजे इंशाल्लाह फी 5000 हादिया फी 5000 है ओके। बुक आपको मेरा स्टडी मटेरियल इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ठीक है नहीं रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होती हसन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती आप लोगों को रेगुलरली आप लोगों को इसकी क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसकी ऑनलाइन की फीस 5000 है और कैंपस भी 5000 फीस है सर जी। और कोई क्वेश्चन कोई शाबाश थैंक यू जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये गैट के लिए भी यूजफुल होगी इंशाल्लाह। मेंटल एबिलिटीज आप लोगों को मैंने बताया है मेंटल एबिलिटीज के अंदर असल में आपको क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो अब अच्छा मैं एक ही क्वेश्चन फिर मैं बारी बारी में नहीं फिर पढ़ सकता। मेंटल एबिलिटीज के अंदर आप लोगों को मैंने बताया IQ भी आएगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएंगे लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग उसके अंदर आएगा। ठीक है लेक्चर हमारा होगा 1 आवर का या 1.5 आवर का वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरह का है। अगर टॉपिक आप लोगों का लेंथी होगा तो उसमें आप लोगों का फिर वो 1.5 घंटे भी जा सकता है
नहीं तो आप लोगों का 1 आवर का डेली क्लास हो करेंगे 9 to 10 इंशाल्लाह। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन एक क्लास में कोई 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं, 20 अबव भी हो जाते हैं कभी कभार माशाल्लाह। ये कैंपस है लाहौर में, इसका है कैंपस कच्चा लारस रोड है, बागे जिना के करीब है, इसके पास है स्टडी रिवर के नाम से। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग बाई कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। दुआ जजाकल्ला, थैंक यू जी। एग्जैक्टली कादम लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ है ये, मुझसे आप डिस्कस आप कर लीजिएगा इफ्तार भाई, थैंक यू जी। खालिद वालेकुम सलाम जी, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दे देता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर एक सेकंड जस्ट मैं आपको मैं शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग मेरा ये सेव कर सकते हैं 0332-676-8388। आप में से जिसको भी कुछ स्टडी मटेरियल और में वो चाहिए हो आप मुझसे आप कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है सर सादर। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई, थैंक यू शुक्रिया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कोई, अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी तो अभी कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो वहां से आप लोग उनसे रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग करवा सकते हैं। टाइमिंग हमारी होगी, टाइमिंग 9 बजे इंशाल्लाह, 9 से 10 हमारी क्लास हुआ करेगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, इसके एक्स्ट्रा इसके चार्जेज होते हैं, बुक के एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, ये आपको फिर बता देंगे कितने चार्जेज। आफ्टर 15 डेज सेशन इज ओवर कैन वी स्टिल अप्रोच यू फॉर हेल्प, जी जी आप सिर्फ 15 डेज में, आप 15 साल के बाद भी अप्रोच कर सकते हैं, अल्लाह ताला दिन की दे इंशाल्लाह जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तला, जजाकल्ला जी। खालिद भाई, हम लोगों ने मेरे लिए हम लोगों ने सिर्फ ये बात डिस्कस किया था कि हम लोगों ने इसमें पढ़ना क्या क्या है और हम लोगों ने इसको कब से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, बस हम लोगों ने ये डिस्कस किया है खालिद भाई जी। जजाकल्ला नौशीन, थैंक यू तला, शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन, नहीं तो हम लोग इसको फिर ऑफ करें। ऑन कैंपस और लाइव ऑन कैंपस या ये ऑनलाइन, दोनों हमारी 9 बजे हमारी स्टार्ट हुआ करेंगी और हमारी क्लास हुआ करेगी। कब से स्टार्ट है ये, 14th से इंशाल्लाह स्टार्ट है जी। असद थैंक यू, शुक्रिया जजाकल्ला। इंशाल्लाह हमारे 14 अक्टूबर से हमारी इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट है, 14th अक्टूबर, ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया खालिद, थैंक यू जजाकल्ला जी। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई, हाँ नहीं, मैं शफीक साहब की बुक कहलाता है, सर जनरल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है मैं इससे अपने एबिलिटी के बुक जो है मैं अपने बुक से मैं करवाता हूँ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बुक भी इंशाल्लाह, ये जो आपको स्टडी मटेरियल जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बुक भी इंशाल्लाह महीने के अंदर मैक्सिमम इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी। इसको मैं आजकल मैं पब्लिश करवाने के इंशाल्लाह मैं इसको वर्किंग में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैक्सिमम 1 महीने में इंशाल्लाह आ जाएगी मार्केट में जी। किसी का क्वेश्चन कोई, थैंक यू। सेशन हर मंथ, जी जी हर मंथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर मंथ होता है सेशन जी। फातिमा जी, खालिद भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इधर स्टडी मटीरियल आपको इधर भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, जब आपको इधर रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे जी। थैंक यू, ओके जी। अभी हम लोग इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जनरल साइंस की बुक भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको कोऑर्डिनेशन से आप काइंडली आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वहां से इंशाल्लाह आप लोगों को जनरल साइंस भी आपको मिल जाएगी, आप लोगों को एबिलिटी भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलिए अभी हम लोग एंड करते हैं। देखें आपके पास स्टडी रिवर के कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, आप काइंडली अकेडमी वालों से आप लोग कॉन्टेक्ट करें। आपको इसके अलावा मैंने भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दे विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह, हर वक्त वो मौजूद होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को वो फैसिलिटेट वो करेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से जी इजाजत, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।